नमस्कार, मेरा नाम नादिर नीलगिरी वाला है और मैं जेमिनी प्रॉपर्टीज से हूँ। पहले मेरे आपने सब वीडियो देखे हैं जिसमें कई बार मैंने काफ़ी लोकेशंस का उल्लेख किया है जिसमें हम लोग काम करते हैं, जहाँ पे हम लोग डील करते हैं, जैसे कल्याणी नगर, विमान नगर, कोरेगांव पार्क, खराड़ी, बंद गार्डन, बोट क्लब, डोले पाटिल रोड और वाघोली। इन लोकेशंस में हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज़ है जो खरीदने के लिए, बेचने के लिए, रेंट पे लेने देने के लिए उपलब्ध है। अभी कई लोग कहते हैं कि हमको ब्रोकर की क्या आवश्यकता है और सिर्फ जेमिनी प्रॉपर्टीज से ही हम क्यों प्रॉपर्टीज खरीदें, जेमिनी प्रॉपर्टीज के द्वारा ही क्यों हम लोग प्रॉपर्टी खरीदें। तो इसके बारे में मैं कुछ जवाब लेकर के उपस्थित हुआ हूँ कि आपको एक अच्छे ब्रोकर की उदाहरणास्तव, जैसे कि जेमिनी प्रॉपर्टीज की आपको क्यों ज़रूरत है। इसमें पहला मुद्दा सबसे पहला आ जाता है वाइड रेंज। रेंज जो है हमारे पास में सारी प्रॉपर्टीज, आप जैसे कि फर्ज कर लो विमान नगर में हमारा ऑफिस है, विमान नगर के अंदर अगर आप देखेंगे वन बेडरूम, टू बेडरूम के फ्लैट्स, थ्री बेडरूम, फोर बेडरूम, टू एंड हाफ बेडरूम, फोर एंड हाफ बेडरूम्स, फर्निश्ड, अनफर्निश्ड, सारे रेंट के लिए, खरीदने के लिए उपलब्ध प्रचंड रेंज है हमारे पास, काफ़ी मोटी रेंज है हमारे पास। उसमें से आपको चॉइस करने की भी सुविधा उपलब्ध होती है। अभी सिर्फ प्रॉपर्टी ही ना होकर के सारी क्लियर टाइटल प्रॉपर्टीज है, क्लियर क्लीन डिलीवरी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि किसी ब्रोकर ने दिखा दिया जब कहा भैया चलो इसकी डील करवा दो कि ओनर नहीं है, पेपर वर्क अधूरा है, बाकी के प्रॉब्लम इत्यादि बहानेबाजी, ये सब कुछ हमारे यहाँ नहीं होते। आपको क्लियर टाइटल डिलीवरी मिलेगी सारे बजट्स में। जैसे कि किसी का बजट कम है तो अगर वो मान लो उस लोकेलिटी का रेट है तो उस हिसाब से भी आपको सारे बजट्स के अंदर में वाइड रेंज, मतलब कम से कम वाली भी और ज़्यादा से ज़्यादा रेंज वाली भी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। अब ये है कि फाइनलाइज हो जाने के बाद में भी जो है प्रोसेस और प्रोसीजर के बारे में जो नॉलेज है वो जेमिनी प्रॉपर्टीज़ में हमारी टीम के द्वारा आपको पूरी तरह से दिया जाएगा और क्लीन, क्लियर और ट्रांसपेरेंट डील होगी। जो टोकन अमाउंट आप देते हैं ट्रांजेक्शन के द्वारा वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मान लो कुछ 19-20 हो जाता है तो हमारी कंपनी आपको उसके बारे में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी और पूरा पैसा आपको वापस लेके देगी अगर ट्रांजेक्शन थ्रू नहीं होता है तो, फॉर सम रीजन। पूरा ट्रांजेक्शन एंड टू एंड हमारी जवाबदारी है, मतलब ये नहीं कि केवल टोकन करवा दिए, एंड तक जो भी आपका पेमेंट जाएगा वो हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। अभी स्टैम्प ड्यूटी हो गया, TDS ऑनलाइन पेमेंट हो गया, जैसे मेरे लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा TDS के बारे में काफ़ी विस्तृत मेरा वीडियो बना है और उसके द्वारा आपको समझ में भी आया होगा कि TDS भी अपने आप में काफ़ी मायने रखता है, काफ़ी काम करना पड़ता है उसमें। सोसाइटी के बायलॉज हो गए, NOC के लिए जो सोसाइटी के लॉज हो गए इसके बारे में अवगत कराना, कैपिटल गेन इश्यूज, लोन का प्रोसेस, जैसे कि हमारा 18 बैंकों के साथ में टाइप है तो आपको जो भी बैंक बेस्ट रेट देता है, जो भी बैंक बेस्ट टेन्योर देता है, जो भी बैंक आपको मैक्सिमम जो है लोन देता है इसके अंदर, तो उसके साथ में हम आपका लोन करवाते हैं और इवन 90% 95% तक भी हम लोग लोन दिलवाने की कोशिश कर सकते हैं आपको। अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो बेस्ट रेट जो है, जो फेयर रेट है, जो बेस्ट रेट है वो दिलाने का हमारा पूरा प्रयत्न होता है इसके द्वारा। तो अगर आप हमारे से अपना फ्लैट खरीदते हैं या अपनी शॉप ऑफिस खरीदते हैं, रीसेल में काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं, छोटे मोटे काफ़ी लोग गुड बैड अगली सारे होते हैं बाजार में, तो उसको हम छाट करके आपके पास प्रॉपर्टी लेके आते हैं और वही प्रॉपर्टी जो जेन्युइन है वो आपको हम लोग दिखाते हैं। इससे ये हो जाता है आपको कहीं पर भी धोखे का या कहीं पर भी गफलतबाजी का कोई भी आपको इसमें स्कोप नहीं रहता है। ये हमारी पूरी कोशिश होती है लास्ट तक। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।